हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट ओ है, ओ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट ए है, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट बी है, ठीक है। अब पॉइंट बी पर हमने एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का होगा, तो यानी इस डायरेक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लेटेस्ट कंसीडर वगैरह खुद लेट करिए। ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड अदर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए इज स्मॉल आर, ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी इज एक्स, ठीक है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर रखा है, ठीक है, और एक बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी एक्स है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, यहां पर हमने एक बिंदु ए लिया है जिसकी यहां से डिस्टेंस ओ से स्मॉल आर है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस पर है, दोनों बीच की डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर ये किधर है डिस्टेंस, अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज से दूर है, दूर इधर की ओर है। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इस अपने टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं डीएक्स, तो ये फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इफ टेस्ट चार्ज इफ टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एलिमेंट डीएक्स डीएक्स अपोजिट टू द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ऊपर से हिंदी वाले देखें कि बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी दिशा बिंदु आवेश से दूर की ओर होगी, इधर होगी, ठीक है, दूरी बाहर दूर जाएगा आवेश, ठीक है। यदि टेस्ट चार्ज को बल के विरुद्ध यानी अपोजिट टू द फोर्स बल के विरुद्ध डीएक्स विस्थापित किया जाता है
एलिमेंट dx से विस्थापित किया जाता है, यानी लघु अवयव dx से विस्थापित किया जाता है, देन वर्क डन, ठीक है, देन वर्क डन तब किया गया कार्य का फार्मूला हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ माइनस का डी ए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस का डी एफ लिखते हैं। एफ का फार्मूला यहाँ देखो क्या लिख दिया हमने, वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ लिखा है, इसी को हमने यहाँ लिख दिया है नीचे एफ का फार्मूला, और ये आ गया माइनस का डी एक्स आ गया, ठीक है, ये माइनस का डी एक्स आप इधर कर लीजिए, बाहर निकल आएगा, ठीक है, तो यहां से क्या निकल आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, क्यू क्यू स्क्वायर डी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग जब पोटेंशियल को डिफाइन करते थे तो चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पॉइंट तक लाते थे, ठीक है, तो हम लोग ए पॉइंट तक इन्फिनिटी से अगर लाए तो वर्क डन क्या होगा, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी से लाना है पॉइंट ए तक, तब हमारा वर्क डन कितना होगा, यहां देखिए वर्क डन का क्या फार्मूला बनेगा, W इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन आएगा हमारा इन्फिनिटी से ला रहे हैं आर्क तक, ठीक है, और ये डी डब्ल्यू आएगा, यही हमारा जो माइनस का वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट जो कॉमन हो गया उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी हो गई और ऊपर हो गया आर, यहां देखो स्टूडेंट नीचे अपान एक्स स्क्वायर है, ऊपर करेंगे तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट जो हमारा यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू पावर वन इंक्रीज हो जाती है, एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाता है और जो पावर आती है उसी से डिवाइड कर देते हैं, वही फार्मूला यहाँ इंटीग्रेशन पर हम लगा देते हैं, ठीक है, ये इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जो पावर यहाँ होगी वो वन यूनिट इंक्रीज होगी और जो पावर आएगी उसी से इसको डिवाइड करेंगे, उसी का यहाँ इंटीग्रेशन वैसे लगाइए, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू 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 नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अगर हम उसी तरह इंटीग्रेट करें तो एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन ऊपर आया और नीचे जो पावर आई माइनस टू प्लस वन आ गया,
ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया आर, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, ये यहाँ से 2 माइनस 1 का माइनस 1 आ जाएगा, ये -1 यहाँ बाहर कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा x^-2 + 1, यानी x^-1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे W इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर कर ले तो प्लस हो जाएगा, तो Q क्यू नॉट अपॉन 4π ε0 के, ठीक है। यहां से जो हमने माइनस निकाला उसने इसको प्लस कर दिया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ऑलरेडी प्लस लिखा ही है। अब यहां पे आ गया हमारा x^-1, इसका ये आ गया इन्फिनिटी टू आर, आ गया पावर 1 हुआ, तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं अब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा W इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4π ε0 के, ये हो गया 1/x, ये हो गया इन्फिनिटी टू आर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम पहले क्या करते हैं, जब लिमिट रखते हैं तो पहले ऊपर वाला रखते हैं, तो हम यहां लिखेंगे W इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4π ε0 के, ठीक है। लिमिट हो गई, पहले ऊपर वाली रखेंगे तो 1/r हो जाएगा, माइनस लगाएंगे फिर नीचे वाली रखेंगे x की जगह तो 1/∞ हो जाएगा। यहां पहले ऊपर वाला रखते हैं तो 1/r हो गया, x की जगह रखते हैं लिमिट, ठीक है। अब फिर माइनस लगा के फिर x की जगह इसको रखेंगे तो 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ का 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो इतना यही हमारा बचा स्टूडेंट, ठीक है। 1/∞ हो गया 0, तो W कितना आ गया, W इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4π ε0 के, ठीक है, 1/r आ गया, ठीक है, और -1/∞ का 0 हो गया, ठीक। अब ये 0 इसमें से माइनस करने तो यही बचेगा, अब इसको हम लोग सिस्टम से लिख दें तो W इज इक्वल टू आ गया 1/4π ε0 के क्यू क्यू नॉट अपान आर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अगर वर्क डन डिराइव करने के लिए कोई कहे तो आप यहीं तक डिराइव करके छोड़ देंगे, ये वर्क डन इन्फिनिटी से लाने का है पॉइंट ए तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हुआ, उसकी वैल्यू यहां रख के निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। यहां से देखिए क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां देखिए डब्ल्यू वैल्यू है, ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, वी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4π ε0 के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम वी और आर के बीच ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरह का ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे इधर वी हो गया, इधर आर हो गया, ये पॉइंट हो गया 0, v प्रोपोर्शनल टू 1/r का ये ग्राफ है, ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जो हमारा टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस q था, अगर माइनस चार्ज हो जाए तो हम लोग ये फार्मूला यहाँ भी लिख सकते हैं नोट पॉइंट करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो वी इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट एक चीज और देखिए। ठीक है, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। इसमें एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि चार्ज यहाँ निगेटिव है, पोटेंशियल निगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ देखें तो कई चार्ज हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत ही चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, यानी कई चार्ज हो गए तो ये ग्रुप हो गया चार्ज का, इनके कारण किसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या है, या इसमें कुछ चार्ज पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है, इनके कारण पोटेंशियल क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट इन सबके पोटेंशियल को निकाल कर प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मास है, अब कहीं इधर से आ रहा 5 किलो, ठीक है, और इधर से आ रहा 5 किलो, तो दोनों जब एक ही जगह आएंगे तो ऐड हो जाते हैं, उसी तरह पोटेंशियल भी ऐड हो जाता है, इसमें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वी ए इज इक्वल टू, तो पहला तो हमारा हो गया क्यू वन के लिए, तो ये हो गया वी वन, क्यू टू के लिए हो गया वी टू, क्यू थ्री के लिए हो गया वी थ्री, क्यू फोर के लिए हो गया वी फोर। अब जितने रहेंगे वो सब इसी तरह पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका फार्मूला अगर हम लिख दें तो देखिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू फोर अपॉन आर फोर। अगर जितने भी रहेंगे सब इसी तरह ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई और वेक्टर वगैरह नहीं लगाने होते हैं। अब इनमें जो कॉमन हो उसको हम अगर बाहर कर दें तो फार्मूला क्या आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू वन अपॉन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन आर टू क्यू थ्री अपॉन आर थ्री क्यू फोर अपॉन आर फोर। ठीक है, अब अगर और भी चार्ज होंगे तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके फार्मूले को हम लोग यहां से देखें स्टूडेंट, तो इनमें जो क्यू टू माइनस का आ जाएगा, क्यू थ्री क्यू फाइव माइनस के आ जाएंगे, तो वी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब देखो स्टूडेंट पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से यही फार्मूला अप्लाई कर दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब क्यू वन अपॉन आर वन माइनस हो जाएगा क्यू टू अपॉन आर टू माइनस क्यू थ्री अपॉन आर थ्री प्लस क्यू फोर अपॉन आर फोर। ठीक, और आगे एक माइनस और है, ये है माइनस क्यू है, ये तो माइनस क्यू फाइव
R5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा VB का फार्मूला हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हमारा ये जो हो गया ये VA का फार्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप दो का होगा तो दो का निकाल लेंगे, चार होंगे चार का निकाल लेंगे, जितने भी होंगे उन सब का निकाल लेंगे। ठीक है,